मेडिटेशन इन ड्रीम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मैंने ना अभी कुछ रिसेंट मंथ से कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल किताबें और ध्यान के तरीके सीख लिए थे। और आप जब कोई एक चीज़ बार बार करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी रह जाती है। तो हुआ क्या, उस रात सपने में मैंने देखा कि मैं मेरे गाँव की छत पर था, तारे देख रहा था और मैंने अचानक से सपने के अंदर ही अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान करना शुरू कर दिया। यानी आप समझो कि मैं सपने के अंदर अवेट था, मैं जाग रहा था पर मुझे पता था कि सपना चल रहा है और मैंने सपने के अंदर अपनी आंखें बंद करी। यानी मेरी जो अवेयरनेस का बिंदु है, जो चेतना का एक लाइट होती है, वो अवेयर थी और उसने डीपर सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है पर आप समझने की कोशिश करना कि यानी हम जो नॉर्मल सपने देखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की फर्स्ट स्टेज होती है और जब आप अवेयर होते हो कि ये सपना चल रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड की सेकेंड स्टेज होती है और जब आप उस सपने को कंट्रोल कर पाओ, समझ रहे हो, तो वो हो जाती है उसकी थर्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी सेकेंड स्टेज पे था, मैं कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता था। मैं वो देख रहा था जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बता रहा है पर मैं अवेयर था अपने डीपर सबकॉन्शियस लेवल्स का। ठीक है, तो वापस सपने में आते हैं। मैंने सपने में देखा कि जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी मैं एक अंधेरे से भरे टनल में आ गया था। मे बी वो मेरा डीपर सबकॉन्शियस माइंड हो, अंधेरे से भरा हुआ टनल। फिर जैसे ही मैं उस टनल में आया मेरी जो अवेयरनेस है तो वो उस टनल से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मैंने देखा कि टनल का एंड आया और टनल के एंड पे 3 डॉट्स से बना हुआ मुझे क्रॉस दिखा। ठीक है, एंड अब आप यहाँ पे समझना, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 3 नंबर है और 3 डॉट है, इनका महत्व हर रिलीजन में है। हिंदुज़म में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशूल हो गया, क्रिश्चियनिटी में जीजस का क्रॉस हो गया, एंड आप अगर जानते हो साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में तो उन्होंने भी 3 नंबर के बारे में बहुत कुछ कहा है। ये नंबर बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्रिएशन में कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैंने देखा 3 डॉट से बना हुआ क्रॉस, ठीक है, टनल के एंड पे। फिर मैंने जैसे ही उन 3 डॉट पे अपना फोकस करा, अपनी अवेयरनेस वहाँ ले गया, ऐसे हज़ारों क्रॉस मेरी आँखों के सामने से गुजरे एंड उसके जस्ट तुरंत बाद मैं उस जगह से सीधा स्पेस में ट्रांसफ़र हो गया था। मैं नहीं हुआ था, मेरी अवेयरनेस हुई थी। एंड मैंने आज तक दुनिया में जितनी भी डरावनी चीज़ें देखी हैं उन सबसे ज़्यादा डरावनी मुझे लगी ब्रह्मांड की शांति। मैं लिटरली इतना डर गया था, ऐसा लग रहा था यूनिवर्स ने मुझे मेरी औकात बता दी कि बेटा तू अकेला है इस पूरे ब्रह्मांड में, तेरा कोई नहीं है। और उसी स्ट्रेंज अलोननेस वाली फीलिंग के साथ ये सपना ख़त्म हो गया था।